लड़ाई खुद के साथ आपकी है, खुद से जीतना है। पंप बताओ कैसा आ रहा है? तो बस शुरुआत है, अभी तो पहाड़ भगाऊंगा। चलो अब हम पैदा ही आशिकी के लिए हो रहे हैं, चल। अरे माँ के पेट तो कोई अर्नोल्ड पैदा ना हो मेरे भाई। सबसे बड़ा ट्रेनर आपके यहाँ है, उसे एक्टिव करें। तो वो कैटाबॉलिक स्थिति में आने लगती है जहाँ आपको फायदे के बदले नुकसान होने लगता है। हालत हो चुकी है बिल्कुल ख़त्म, एनर्जी लेस, एक्चुअली मसल पूरा टूट चुका है। सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और स्टेरॉइड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आज है मेरा डे 43। और वर्कआउट लेना है शोल्डर का, बड़ा इंटेंसिव एक्सप्लोसिव वर्कआउट लूंगा मैं। और फर्क बताएं आप, आ रहा है या नहीं आ रहा है? कल एक भाई का कमेंट पढ़ा मैंने, उसने बोला, निखिल उस बंदे ने बोला कि भाई आपका ना साइज बड़ा अच्छा हो रहा है क्वालिटी के साथ। तो थैंक्स फॉर दैट डियर, नाम मेरा ध्यान से उतर रहा है लेकिन मैं मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपको बहुत बहुत थैंक यू। और आज शोल्डर का वर्कआउट बड़ा इंटेंसिवली लेते हैं। प्री वर्कआउट एंड वार्म अप से मैं अब पूरा परिपूर्ण हो चुका हूँ। और अब चलते हैं, शुरुआत करूंगा मैं लाइट वेट श्रग्स के साथ। वार्म अप करेंगे, 8 सेट करूंगा श्रग्स के, ट्रैप से शुरुआत करेंगे और उसके बाद ट्रैप, डेल्ट, रियर डेल्ट सबको ट्रेन करेंगे। तो चलिए करते हैं शोल्डर का वर्कआउट। सो गाइस, पंप बताओ कैसा आ रहा है? कैसा आ रहा है? मस्त। तो ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पहाड़ भगाओगे। पहला सेट है वार्म अप स्मिथ मशीन पे, श्रग्स लेने। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड जस्ट आगे की तरफ बैंड होके पंप देखो हाथों पे मसल क्वालिटी। ये एक्चुअली ना मेहनत से आप भी हासिल कर सकते हैं। अरे माँ के पेट तो कोई अर्नोल्ड पैदा ना होया मेरे भाई। हार्ड वर्क, डेडिकेशन विल गिव यू रिजल्ट। एंड पंप कैसा आ रहा है? अब मेजर सेट्स पे मिलते हैं। सो गाइस, अब है, अरे पिक्चर में तो हीरो अब एंट्री ले रहा है। एक्चुअली में ना जब किसी भी चीज के अंदर में जब दिल से आप एंजॉय करने लगते हैं ना, तो एक्चुअली आपको बहुत ज्यादा अल्टीमेटली फर्क आने लगता है। तो वर्कआउट करते हैं, 60 kg विद 20 kg रॉड। लड़ाई खुद के साथ आपकी है, खुद से जीतना है। दूसरे से जंग जीतना आसान होता है जब आपकी लड़ाई आपके साथ हो ना। लक्ष्य एम हासिल करना है, लोगों को साबित करना है कि यू आर डूइंग परफेक्टली। सो गाइस, एक्चुअली आई एम फीलिंग सो एनर्जेटिक। और वेट लगा लिया, कटिंग में भी वेट। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, आठ, नौ, दस, ओम। अरे मारे तो ठाडा कोई को नहीं मेरे भाई, ठाडेपण की बहस नहीं है। देखो ओ तेरी बहन के आता में सिलबट्टे खून जाम। बहम बेरा किस चीज का है? बहम इस चीज का है, हम उसके फैन है जो वर्ल्ड का सबसे पहला बॉडी बिल्डर है जो हमारे पीछे बैठा है ना मेरे भाई, पवन सुत हनुमान की जय। आजा भी पीछे आजा। सो गाइस, अब है फाइनल सेट। और हेल्पर पीछे खड़ा करना, एक भाई मजबूत आपके लिए बहुत जरूरी है। एक, दो, चल भाई अब हाथ लगा। चलो उतारियो प्लेट, ड्रॉप करेंगे। चलो अब हम पैदा ही आशिकी के लिए हो रहे हैं, चल। एक, दो,
ओम मेरे भाई, मेहनत अगर आप कर रहे हो ना, नो वन, कोई नहीं है जो आपको हरा सकता है, क्योंकि सच्ची तपस्या क्या है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं यार। तो गात की तपस्या कर रहे हो तो कैसे फर्क नहीं आएगा। ओ ओफ, 85 किलो का मैं हूँ और 80 किलो रोड में, और कार्ब का मैं लीन लुक वर्कआउट चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इस वक्त, होता नहीं है, वेट नहीं लगता है, लेकिन ड्रॉप मार रहे हैं विद वेट। दिस इज डेडिकेशन विद पावर। पंप बताओ भाई कैसा आ रहा है, निकल पंप कैसा है? और आप, आपको लेना है फ्रंट रेज, शोल्डर की ब्रॉडनेस से ग्रिप करनी है। वन टू थ्री फोर। जब आप इस वर्कआउट को करते हैं ना, 10 रेपिटेशन इतने भारी लगेंगे आपको। फ्रंट रेज विद बारबल यहां लाना है, स्लो होल्ड डाउन। आठ, और अब है ट्विस्ट। नो, दस, बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई, खेल नहीं है बच्चों का। और पोज देना अति आवश्यक है, कपड़े उतारेंगे अभी। अब लेना है आपको साइड रेज, नेक्स्ट वर्कआउट। आगे सपोर्ट लेनी है और कोशिश करना है कि साइड में लेके जाना और आगे यहीं रोकना है। इसको आप जितना, अगर आप पीछे लेके करते हैं, जो ये वाला वे है ये बहुत इफेक्टिव है, आपके डेल्ट पे बहुत ज़्यादा फर्क आता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये वेरिएशन मैं आगे लेके इस तरीके से कर रहा हूँ, आगे थोड़ा बैंड होके, दिस इज ऑल्सो इफेक्टिव वे। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, दे बोथ आर इफेक्टिव फॉर योर साइड डेल्ट। जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही ना, चेक योर लिमिट। बस सो अब है बारी लास्ट वर्कआउट की रियर डेल्ट के लिए। आपको नीचे बैंड होना है, आप आगे सपोर्ट भी ले सकते हैं हेड की, और उसके बाद में आपको हाथ यहाँ स्ट्रेट नीचे लाने और लेके जाने ऊपर। बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है, और 25 रेपिटेशन कोनिया ऊपर की तरफ। और इसके साथ फेस पुल। सो लास्ट वर्कआउट, अभी एक्चुअली मसल पूरा टूट चुका है, फेस पुल पे एंड करेंगे। आंखों तक लाना है, होल्ड करना है। आप इस तरीके से ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन बैक जो पीछे है ना, मैं भाई को बोलूँगा प्लीज़ बैक दिखाएं। यहाँ आपको जब आप यहाँ लाते हैं, स्क्वीज टाइट रिलीज, ब्लॉग का एंड करते हैं। ब्लॉग आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई ना हमारी टक्कर में, हालत हो चुकी है बिल्कुल ख़त्म, एनर्जी लेस। एनर्जी बहुत सारी लेके आया था, लेकिन इतना वर्कआउट हैवी किया कि आज एनर्जी ख़त्म हो गई है। शोल्डर का वर्कआउट ले लिया जाएगा, इवनिंग में एब्स लूँगा, क्योंकि एक एनाबॉलिक लेवल का ना एक स्टेटस होता है बॉडी का। अगर आप साइंटिफिकली प्रूवन थिंग्स पढ़ेंगे तो हमारी बॉडी एक लिमिट तक एक्सेलरेट कर सकती है खुद को, उसके बाद वो कैटाबॉलिक स्थिति में आने लगती है जहाँ आपको फ़ायदे के बदले नुकसान होने लगता है। तो रिक्वायरमेंट समझे आपकी बॉडी की, सबसे बड़ा ट्रेनर आपके यहाँ है, उसे एक्टिव करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।